आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। हर्षोल्लास के साथ मनाई गई मनेर में विवेकानंद जयंती। इस समारोह को सुसज्जित किया पूर्व विधायक सूर्य देव त्यागी ने। आमंत्रित किया सभी को और विवेकानंद के विचार को सभी में बांटा। पूछे जाने पर नेताजी ने ये बताया कि आज सभी को विवेकानंद के विचार पे चलने की आवश्यकता है। लोग इस बात से काफी प्रभावित हुए और बधाई के पात्र रहे जदयू के नेता सूर्यदेव त्यागी जी, जिन्होंने इस विचार को ऐसे मौके पर रखा जब हमारा देश हिंदुस्तान एनआरसी को लेकर काफी भयभीत है, भाईचारा नहीं है। लेकिन नेताजी का यह कथन युवाओं को आगे आना और देश का निर्माण करना आज का कार्यक्रम रहा। ऐसे में विवेकानंद की जयंती आप लोगों ने मनाया, विवेकानंद के किस विचार को सराहनीय समझा आपने या कौन सा उनका कदम है जो यादगार है? विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में कभी असत का सहारा नहीं लिया, सत के सारथी थे और नौजवानों को केंद्रित करते हुए देश को बनाने की बात उन्होंने ज़्यादा जिंदगी का फोकस होता नौजवानों पर था। नौजवान चरित्रवान बने, काम करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी चोरी बेईमानी के खिलाफ हिंदुस्तान का नौजवान जिस दिन एक हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा। 74 में जेपी आंदोलन में हिंदुस्तान के नौजवान इकट्ठा हुआ था, बहुत भारी बदलाव हुआ। तो बदलाव के लिए जब तक नौजवान नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, तो देश में कोई क्रांति नहीं हो सकती। देश को क्रांति की ज़रूरत है, चाहे वो कृषि क्रांति हो, शैक्षणिक क्रांति हो, या धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो। बहुत सा वाहिया डंबर इस देश में चल रहा है, नाम जात के नाम पर, मजहब के नाम पर रोज दंगा फसाद हो रहा है, कौन कर रहा है? ये जो आज का मंच है, जो संपूर्ण क्रांति मंच द्वारा आज आपका क्या संदेश होगा? संपूर्ण क्रांति मंच गैर राजनीतिक संगठन है। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन से है। व्यवस्था परिवर्तन होगा तो हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगी, हर आदमी आराम से जिएगा, जो भी धंधा करता है करेगा। इसी निमित्त हम लोगों ने विवेकानंद की जयंती मनाई थी। हम लोग अन्य महापुरुषों की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल आदमी का जयंती सोच समझ के मनाते हैं। बहुत आज के कार्यक्रम से क्या मैसेज देंगे आप? आज के जो हमारे विवेकानंद जी की जयंती है, तो विवेकानंद जी के आदर्शों को हम अपने नौजवानों को बताना चाहते हैं और नौजवानों को जगाना चाहते हैं। जैसा कि हमारे विवेकानंद जी जिन्हें अपने सनातन धर्म के माध्यम से पूरे देश में नौजवानों को जगाकर उन्होंने कहा कि उठो, जब तक तुम नहीं जागोगे देश नहीं जागेगा, देश नहीं बचेगा। देश को अगर स्वतंत्र करना है तो तुम्हें आगे आना होगा। उसी आदर्श को आज के नौजवानों को हम शिक्षा देना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कैप्टन संधारी राय। पोस्ट क्या है? मैं महासचिव भारतीय किसान मंच। आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज जो कार्यक्रम हुआ तो विवेकानंद जी का पूर्ण तिथि के रूप में मनाने का काम किया था। स्वतंत्रता सेनानी जितने जो हैं उन लोगों ने अपना प्रोग्राम को रखा और मनाने का काम किया गया। वो लोग ऊपर आदर्श को खोलने का काम, बताने का काम किया और इस मन से लोगों को प्रभावित किया गया कि अगला विधानसभा चुनाव में हो सकता है त्यागी जी अपने इस चुनाव के माध्यम इन लोगों को जागृत करें और स्वतंत्रता सेनानी देश भर के लाख करके अपने विधायक को चुनने का काम करें। उसमें हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं और जदयू के प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा के हैं। मेरा नाम ज्योतिष पाशा है। जदयू से हैं आप? जी, अति पिछड़ा प्रदेश महासचिव। आप देख रहे हैं कोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच।